चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शाजापुर नगर में जल की समस्या के लिए नर्मदा जल परियोजना का शिलान्यास हुआ। शाजापुर जिले के लिए 2200 करोड़ की लागत से नर्मदा जल परियोजना और शाजापुर शहर के लिए 78 करोड़ की लागत से सीवरेज योजना का शिलान्यास आज कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह और जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के करफल मोह से हुआ। शाजापुर में पेयजल समस्या को देखते हुए इसकी मांग पहले से उठ रही थी। उद्घाटन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण किसान आए। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटीवाला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और आभार व्यक्त भी किया। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो शहर की खुली नालियां होती हैं, उनमें जब पानी बैठ जाता है उससे पूरे मोहल्ले में मच्छर हो जाते हैं, लेकिन सूरज के माध्यम से जो भी मच्छर होगा, जो भी सूरज का पानी होगा, उसको पूरा ट्रीट किया जाएगा और उसके माध्यम से जो शहर में गंदगी रहती है शाजापुर में, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। ये मैं मानता हूं शाजापुर शहर के लिए विश्व बैंक के द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग ने ये राशि पाई है और पूरा 90 करोड़ का काम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद तुरंत हमने आदेश दे दिए हैं, तुरंत ये काम चालू होगा और इससे शाजापुर शहर के हर गली में, हर मोहल्ले में और स्वच्छता होगी। 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ था हमारे राहुल जी बेटा ने जो कहा था, अब दूसरा फेज हमने चालू कर दिया है। चंद दिनों में आपको सीमित रखते हुए दिखेंगे और 1,00,000 तक का कर्जा माफ करने का काम फिर से हम शुरू कर रहे हैं और उसमें 70% किसान भाइयों का कर्जा माफ हो जाएगा। जो लोग कह रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है, जनता के काम हो रहे हैं तो उनको जलन छूट रही है। 15 बरस में कुछ कर नहीं पाए, वो झूठे वायदे करते रहे। इस शाजापुर को पानी पिलाने के लिए भी कितनी जगह भूमि पूजन करके पत्थर रेंगते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी आते रहे यहाँ और यहाँ के नेता जगह जगह लेते फिरे, उनको ये आप सब लोग जानते हैं। हमारा दावा है मित्रों कि इस काम को हम पूरा करेंगे, कर्ज मुक्ति को भी पूरा करेंगे और आपका काम भी पूरा करेंगे। और हमने नौजवानों के लिए भत्ते की बात की है, वो भी आगामी बजट में हम लोग प्रावधान करने जा रहे हैं और नौजवानों को वो भत्ता भी हम जो देने की बात की है हमने अपने वचन पत्र में, उसको भी पूरा करेंगे। चाहे जो लोगों को शंका है, पूरा शहर खुल जाएगा। ठेकेदार साहब ने भी निर्देश दिया माननीय मंत्री जी ने कि आप अगर थोड़ा पैसे आप कर दे, 1,00,000 कर दिया आपने, 1,00,000 के ऊपर फिर से रोड बना दे आप, उसके बाद आगे बढ़े। इस काम को इस तरह पूरा करेंगे।